देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था पहले कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति हमारे हिंदुस्तान में पांचवें स्थान पे है। तो भाई, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, फिर सिर्फ कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कहे कि इस बात भाई। अभी देखो, 5 दिन पूर्व हम लोगों ने निश्चितकालीन आंदोलन किया था, 7 दिन अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन हो गया, 7, 5, 12 दिन हो गए। इस 12 दिन में करोड़ों रुपए का छत्तीसगढ़ शासन को नुकसान हुआ है, सिर्फ हठधर्मिता के कारण बुलाया नहीं जा रहा है। इसलिए अगर उस जितना नुकसान हुआ है शासन को, उसमें ही अगर चाहें तो कर्मचारी की जो मांग है उसको पूरी की जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अधिकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति इतना तो ज़रूर है कि दिया जाए, जब बहुत सारे सब चीज़ को दिया जा सकता है तो अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं भाई। इसी छत्तीसगढ़ में 4-4 प्रकार के अलग अलग महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। तो भाई, जब बिजली के कर्मचारी साथी हैं उनको 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और वो इसलिए, वो भी तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ को सरकार अपने बजट से दे रही है, तो कर्मचारी अधिकारियों के लिए काहे की लगा नहीं। अगर चाहे संवेदनशील सरकार तो हम लोगों के लिए रास्ता निकल सकता है, चर्चा के लिए बुलाए, निश्चित रूप से हमारी मांगे को पूरा कर सकते। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सदैव चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार है, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार में बैठे हुए कुछ अफसर ये नहीं चाहते कि चर्चा के माध्यम से हल निकले, और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए कुछ अधिकारी तुले हुए हैं। उसी का यह परिणाम है कि सरकार चाहते हुए भी हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि कुछ अधिकारी उनको घेर करके रखे हैं। यदि चर्चा होती है तो उसका समाधान निकल जाता है। भाई अजय तिवारी ने बिल्कुल सही कहा कि 7 दिन का भी आंदोलन और पुराना 5 दिन का आंदोलन, 12 दिन के आंदोलन में छत्तीसगढ़ सरकार को जो राजस्व की क्षति हुई है, केवल उतने में ही हमारे DA और HRA की मांग पूरी हो सकती है। इतने राजस्व की क्षति हुई है कि उससे जो है हमारे भुगतान वो सरकार कर सकती है। देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, 30 त्यौहार सामने हैं, छत्तीसगढ़ की बहन बेटियाँ भी कर्मचारी अधिकारी के रूप में अपना कार्य कर रही हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। आज इन 30 त्यौहारों को भी अगर छत्तीसगढ़ का कर्मचारी इस अनिश्चितकालीन आंदोलन के मंच पर, पंडाल पर मनाने को विवश हो रहा है, तो आप समझिए कि क्या कितनी मजबूरी कर्मचारियों की है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति इस तरीके से सुदृढ़ होती, हमारा DA और HRA के रूप में एरियस और हमारी जो रकम है सरकारी कर्मचारियों की, वो अगर इस तरीके से ना दबा दी गई होती, तो कोई मजबूरी नहीं है कर्मचारियों की, वो तो अपना कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 30 त्यौहारों के समय हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में उतरें, ये एक विडंबना ही कही जा सकती है। शानदार 7वां दिन है, कर्मचारी आज मंच पर, आंदोलन पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि 30 त्यौहार के अवसर पर ही सही अपने बहन बेटियों को एक सौगात दें, और वो एक विचार करें, संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विचार करें कि वाकई में कर्मचारी अगर इस आंदोलन पर अड़ा हुआ है तो उसकी कितनी क्या रकम है, या वो जो आर्थिक रूप से बदहाली झेल रहा है उसको वो पूरा कर दें, और अनिश्चितकालीन आंदोलन तत्काल समाप्त हो जाएगा। किसी तरह की कोई हठधर्मिता नहीं है, कर्मचारियों की एक जो जेन्युइन मांग है वो जिस दिन भी पूर्ण होगी, कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं पंकज पांडे, प्रांत अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी।